मंदिर देख लिया, मूर्ति देख ली, अब देख देवी माँ का भव्य श्रृंगार। चटक लाल रंग की सुहाग की साड़ी, सुहाग की ओढ़नी, और देख सर से लेके पांव तक सुहाग के चढ़ाओ गहने। कितनी जगमगा रही है ना ये। हाँ, सर पे मुकुट, नाक में नथनी, गले में माला और हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में बिछाने और पायल, बहुत सुंदर है। कितनी सजी हुई है ना देवी माँ, गहने भी बहुत सुंदर हैं और कपड़े भी। देखा तूने, इनके माथे पे सुहाग की बिंदी और मांग में सुहाग का सिंदूर, नहीं देखा तूने? हीरा मोती सोना चांदी तो अपनी जगह है, पर तुझे पता है सिंदूर के बिना श्रृंगार अधूरा होता है। देखा ना अच्छी तरह से। अब तू ही बता मुझे, अधूरे श्रृंगार का क्या मतलब? अगर तुझे साज श्रृंगार करना ही है तो फिर मांग में सिंदूर तो भरना ही पड़ेगा। अच्छा, लेकिन कहाँ? अच्छा चल तू। प्रणाम कर लड़की। पंडित जी, ये माता के सामने जो सिंदूर की थाली है ना, उसमें थोड़ी सी सिंदूर दीजिए ना, बच्ची को लगाना है। जी माता जी, देता हूँ। कहाँ है बच्ची? अम्बे माँ, घोर कलयुग, विधवा लड़की के लिए माता जी का सिंदूर सर्वनाश। अरे लड़की तो मूर्ख है, पर अम्मा जी आपको तो समझता है, विधवा के मांग में सिंदूर भरते हैं क्या? माँ का सिंदूर कहीं नहीं लगा सकते हम। अरे तू विधवा है, विधवा स्त्री के मांग में सिंदूर सजना संवरना सब पाप है, महापाप। एक स्त्री के लिए उसका सुहाग ही सब कुछ होता है, लेकिन जिसका सुहाग ही न रहे उसका सजना संवरना सब बेकार है, उसको सजने संवरने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक जीवन है ईश्वर की भक्ति करते हुए जीना है, माया मोह से विरक्त कोसों दूर, यही चलन है समाज का।